हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पिनाटा केक। पिनाटा क्या होता है? पिनाटा एक कवरिंग है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। एक कंटेनर है एक तरह से, जिसके अंदर चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज, कुकीज़, हम कुछ भी रख के उसको कवर कर देते हैं। फिर वो सरप्राइज़ की तरह उसको ब्रेक करते हैं। आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है ये केक। वैसे जैसे हम लोग केक कट करते हैं ना, बट ये जो पिनाटा केक है इसको ब्रेक किया जाता है। आज हम इसको बर्बन बिस्किट से बना रहे हैं। अब जैसे ये केक है ना, इसको हम कवर कर देंगे और अंदर से सरप्राइज निकलेगा। तो मैंने लिए हैं यहाँ बर्बन बिस्किट्स, इनो लिया है मैंने, और दूध। सबसे पहले हम बिस्किट को तोड़ लेंगे छोटा छोटा सा हाथ से ही। उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस के बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। मैं ओवन को प्रीहीट करने रख रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं केक को। ये देखिए बिस्किट का पाउडर है, अच्छे से मैंने पीस लिया है मिक्सी में। मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। ये लगभग 15 से 16 बिस्किट्स हैं, इसमें लगभग आधा कप दूध डल जाएगा। फिर भी आप धीरे धीरे करके डालें, कंसिस्टेंसी अच्छी तरह से, ज़्यादा एक साथ नहीं डालें। यहाँ आधा कप दूध में लगभग 16 बिस्किट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए मैंने ग्रीस किया है केक टिन को। अब मैं इनो डाल रही हूँ। इनो डाल के बस एक ही साइड में घुमाते जाना है। तैयार है देखिए हमारा केक का बैटर। अब मैं इसको टिन में डालकर बेक करूंगी लगभग 15 से 20 मिनट। टूथपिक डालकर चेक करूंगी, साफ टूथपिक आ गई, इसका मतलब केक तैयार है। ये मैंने पिनाटा कवर के लिए लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। उसको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रखा है और मेल्ट किया है। मैंने ये एक डिब्बा लिया है जिसको मैंने ग्रीस किया है। इसमें मैं ये चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट मैंने लिया है, उसको डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से पूरा इस डब्बे पे स्प्रेड कर दूंगी। ये पिनाटा कवरिंग बन रही है। ये देखिए अच्छी तरह से हर तरफ से हमको ये केक के जो डब्बा है, जो पिनाटा का जो कवर है, उसको चॉकलेट से अच्छे से बिल्कुल देखिए ढक देना है ये डब्बा। अब ये देखिए पूरी तरह से मैंने लगा दी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद मैं लेकर आई हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा और चॉकलेट डालूंगी और इस लेयर को मैं डबल करूंगी ताकि निकालते समय ये जो पिनाटा कवरिंग है ये टूटे नहीं, ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी डबल लेयर करने से। ये देखिए अच्छी तरह करती है। वापस मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। तब तक मैंने केक निकाला है, चेक कर रही हूँ केक को। बहुत अच्छी तरह निकल आया है, देखिए केक कितना अच्छा कलर आया है। ये जो डार्क चॉकलेट थोड़ी सी बची है, इसमें मैं 2 चम्मच लगभग हैवी क्रीम डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। ये बन गया हमारा चॉकलेट गनाश, जिसको मैं केक पर लगा रही हूँ। आपके पास कुछ भी हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी चीज़, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग पड़ी थी, मैं उससे यहाँ इंजॉय लिख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं केक के में। पिनाटा केक में आपको जो भी डालना हो आप वो रख सकते हैं, कैंडीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं इसमें। ये देखिए अब धीरे मैं फ्रिज में से निकाला है। ये देखिए धीरे धीरे से करके मैं इसको कवर को बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल साबुत सा हमारा पिनाटा कवर निकल के आया है। अब इस कवर को मैं क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग से थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी ऐसे लाइनिंग्स बना रही हूँ ताकि केक सुंदर दिखे। केक मीन्स थोड़ा कलरफुल, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये तैयार है हमारा पिनाटा केक।
अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूं। ये देखिए अंदर से केक निकल के आया है बाहर, जेम्स है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है इसके अंदर, और दिखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और लग ही नहीं रहा है कि घर पे बना है। ये देखिए पूरा पिनाटा केक के अंदर का सामान दिख रहा है, मैंने पूरा थोड़ा खोला है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।